अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो सलमान व्लॉग और मैं हूँ सलमान अली। तो दोस्तों आज मैं अपने दोस्त के पास आया हुआ हूँ, अवैस भाई के पास, जिसकी एंगेजमेंट हुई थी 2 दिन पहले गलती से। तो उसे पूछते हैं कि उसे कैसा लग रहा है। जी सर, आपको कैसा लग रहा है एंगेजमेंट करके? मुझे यार कैसा लगता है ज़िंदगी बर्बाद करके इंसान को कैसा लगता है? रोची बोले ना, हमारे व्यूअर्स को आवाज़ भी आनी चाहिए। ज़िंदगी बर्बाद करके कैसे लगता है इंसान को, बताओ। ज़िंदगी बर्बाद हुई है मुझे। अब आबाद हो गए हो? अब नहीं, आज़ाद पहले था, अब ज़रा कैच में आ गए थे। अच्छा चले, अब पूछते हैं इसाम भाई से, इनको कैसा लगा भाई की एंगेजमेंट करके? यार मुझे, मैंने तो तुरवानी थी। अच्छा, मैंने इसकी शक्ल देखी, इसका रोनापन देखा, इसका सब कुछ, तकलीफ देखी, दर्द देखी, इसके तकलीफ कौन सी देख ली आपने? तो दर्द थी ना दिल में। अच्छा अच्छा, प्यार था इसका, तो मैंने कहा कि यार नहीं, अब जो हो रहा है अल्लाह की सुपुर्द है, ठीक है, बाद में देखी जाएगी जो होगा। अभी फिलहाल जाते हैं, करके आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं करके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया सर। तो आप अभी खुश हो ना अपने भाई के एंगेजमेंट से? हम तो खुश हैं भाई, अल्लाह ताला इसको और खुश रखे, इसके नसीब अच्छे करे। हम तो यही चाहेंगे हमेशा खुश रहें, मैं इसके साथ हूँ। जब उन्होंने आना है तो फिर तब तो मैंने बहुत कुछ करना है। चले वैसे भाई, आप बताएं आपको इधर क्या आपकी फीलिंग हुई एंगेजमेंट वाले दिन, कैसा लगा है? मुझे पता चला इसने बहुत बहुत वहाँ पे कारनामे किए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, इसका भी वक्त आएगा। क्या कारनामे किए वहाँ? तो मैं भी था, कोई कारनामा नहीं हुआ, बच्चे पे झूठ बोल रहे हो। बस कर दो, आप वहाँ पे थे, आपने भी नहीं रोका इसको। हाँ आपने भी नहीं भाई, वहाँ पे क्या किया आपने वैसे श्याम भाई? सिर्फ मुझे एक आवाज़ आई थी कि इधर आओ तस्वीर बना लो। अच्छा, मैंने कहा था कि मैंने नहीं आना, आप बना लो। तस्वीर बनाने का क्या है, जब ये घर आएगी तब बना लेंगे। तो वैसे आपको किसने बताया कि तस्वीर नहीं बनाई इन्होंने? तो आप भी तो आओ, आप कहाँ पे घूम रहे हो? आप गए थे, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हादसा हुआ था? बताओ नहीं हुआ था तो फिर यार कुछ नहीं हुआ, क्या होना था, रास्ते में जा रहे थे दोस्तों, कीचड़ बहुत ज़्यादा था, तो हमारी जो बाइक का अगला टायर है वो स्लिप हो गया, तो हम जरा 50% ना कीचड़ में चले गए, जिसमें मेरे शूज़ भी खराब हो गए थे। 50% तो वहाँ मतलब बचे गए थे ना, आधे आधे अंदर थे आधे बाहर थे। आधे तो वो आपका तो सिर्फ शूज़ ही गया था। तो शूज़ गया मतलब ना बिल्कुल। तो दोस्तों कल हम जब जा रहे थे एंगेजमेंट करने के लिए, तो काफ़ी रास्ते में ना कीचड़ वगैरह था, जिससे ना थोड़े से शूज़ मेरे ख़राब हो गए थे, तो फिर वहीं पे मतलब हमने आगे जाके ना पहुंच के साफ़ कर लिए थे। तो अभी हम चलते हैं अवैस भाई के पास नीचे, उसे ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, चल के देखते हैं वो क्या कहते हैं ज़रा। तो दोस्तों चलते हैं अभी घर की तरफ ही, क्योंकि अवैस भाई वाले ज़रा अभी जॉब पे जाने लगे थे, तो मैंने कहा चलें यार हम भी निकलें, शाम हो रही थी। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए आए थे, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, और क्या कहते हैं जितने भी क्या कहते हैं फ्रेंड्स अपना, ये जो व्यूज़ आते हैं काइंडली, कुछ खास व्यूज़ नहीं आ रहे मेरी वीडियो पे, तो प्लीज़ जो भी चैनल पे आते हैं वीडियो देखते हैं तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।